आभार, मैं हूं राजेश पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ हैं जसपुर राज परिवार के छोटे सदस्य विजय आदित्य सिंह जुदेव, जो काफी कम उम्र में पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स में अभी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं विजय आदित्य सिंह जुदेव, हम सीधे उनसे बात करेंगे पॉलिटिक्स में किस तरह की चुनौतियां हैं और इतने कम उम्र में पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ। इस तरह कई सारे हमारे पास सवाल हैं और हम इन सवालों का जवाब सीधे विजय आदित्य सिंह जुदेव से जानते हैं। विजय जी, आपका काफी स्वागत है बुनियादी चौपाल में। ये उम्र आपकी बहुत छोटी है और आप अभी आप कभी बीजेपी में, आप किसान मोर्चा में रहे, फिर बाकी आप धर्मगढ़ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी जी। तो एक जब हम जब जब बड़े होते हैं तो एक मन में एक अभिलाषा होती है, जब कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं। शुरू से जो हमारी परिवार है, राज परिवार, उनका जुड़ाव ही इस प्रकार से, अपने क्षेत्र के कोई भी राज परिवार हो, उनका ऐसा जुड़ाव उस क्षेत्र के लोगों से रहता है। और शुरू से राज परिवार मतलब उस क्षेत्र में जो राज करती है, जो उस क्षेत्र का राजपाट संभालती है, तो छोटे सी एक ये चीज को देखने मिला। और दूर दूर गांव में राज परिवार के जितने भी संबंधित पुराने आदिवासी वनवासी रहे, उनसे मुलाकात होते रही, तो इसी प्रकार से छोटे सी देखने को मौका मिला कि कैसे देश चलता है, कैसे छोटा सा राज्य चलता है, कैसे छोटा सा जिले चलता है, तो छोटे से देखने का मौका मिला। बिल्कुल, ये तो मतलब रियासत में तो रियासत और सियासत का ताल्लुक तो काफी मतलब गहरा होता है, इसको हम समझते हैं। लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स मतलब सक्रिय राजनीति में मतलब कैसे आना हुआ, मतलब किस तरह से, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है? देखिए, शुरू से तो बाहर रहना होता था, पढ़ाई वढ़ाई बाहर चलती थी, लेकिन कोविड की वजह से जशपुर आना हुआ। बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा रहा कि कुछ लोगों का जिंदगी कोविड की वजह से बनी, कुछ लोगों की बिगड़ी, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी जिंदगी बनी कोविड लॉकडाउन से। मैं यहां जब आया तो फुटबॉल का बड़ा अच्छा खिलाड़ी रहा, स्कूल में भी काफी रिप्रेजेंट किया मैंने, तो यहां पर आया तो जब लोगों के बीच मैंने खेलना चालू किया फुटबॉल, तो उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों से और भी जुड़ाव हुआ। और भी जब जगह क्षेत्र गए वनवासियों और आदिवासियों के बीच में खेल का प्रदर्शन करते करते, तो ऐसे लोगों से जुड़ाव हुआ और उस जुड़ाव के बाद लोगों ने अपने घर तक आने का सौभाग्य प्राप्त करा, और उसी वजह से धीरे धीरे लोकप्रिय होते होते खेल के माध्यम से आज समाज सेवा में भी उतर आए हैं। किस तरह की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं अभी, मतलब पहले आप बीजेपी में थे, फिर बजरंगदल में, किस तरह की जिम्मेदारी है? अब कोई भी, अगर आपने कलेक्टर की बात कही, आपने राजनीति की बात कही, तो कोई भी एक जो आदमी इस क्षेत्र से जुड़ता है तो सबसे पहले चाहता है कि अपना जो एक राज्य है, जो उसकी सीमा रहती है, उसके अंदर में कैसे अच्छे रूप से, अच्छे ढंग से सभी समाज, सभी धर्म कैसे एक साथ बढ़ें, एक साथ रहें, कैसे फूलें, कैसे आगे इस जिले को बढ़ाया जाए, उसी माध्यम से आज बहुत सारे क्षेत्रों में धार्मिक विषयों में जाना होता है, राजनीतिक विषयों में जाना होता है, और इसी प्रकार से लोगों से मिलते जुलते आज इस विषय तक पहुंचा है। अब सब धर्म को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले से का इतिहास रहा है कि मिशनरीज का विरोध करते रहे हैं, तो किस तरह से अभी की स्थिति में मतलब क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या मतलब जो मिशनरीज का रवैया है अभी भी वही है, विरोध जारी रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं मतलब एक क्या बोलते हैं कुछ वो आया है, मतलब संबंधों में मिठास आई है पैलेस और मिशनरीज के बीच? जी, मैं तो आपको ऐसा बोलना चाहूंगा कि विरोध कभी भी एक, जिस प्रकार से आपने नाम सुना महाराणा प्रताप का सुना, उनके सेनापति एक मुसलमान धर्म से रहे, और भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि कभी भी एक राज परिवार के अंदर सभी समाज, सभी संप्रदाय के लोग बड़े सुखी, बड़े संपन्न तरीके से रहते, तो मैं तो बिल्कुल मैं इस बात से नकारूंगा कि हम लोग मिशनरियों के विरुद्ध हैं, बल्कि ये जरूर मैं कहना चाहूंगा आप लोगों की, जिस प्रकार से ये जो जशपुर जिला है, जो छोटा नागपुर जगह जिसे कहते हैं, ये वनवासियों का क्षेत्र रहा है, जनजातियों का क्षेत्र रहा है, बड़े भोले भाले लोग यहाँ रहते हैं, तो बाहर से अगर कोई मिशनरी जो तबके के लोग हैं वो अगर आकर भला भटका, उन लोगों को भला भटका कर अगर
उन लोग का धर्मांतरण करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं कि आपके मूल धर्म ये नहीं है, तो उसके खिलाफ जरूर रहेंगे कि भाई अगर कोई सनातन धर्म को अगर मानता है और भुला भटका कर अगर गलत रास्ते पे उनको ले जाने की प्रयास की जा रही है तो उसके विरोध में सदैव रहेंगे। मतलब आपका कह रहे हैं कि जो यहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स हैं, जो लोकल आदिवासी हैं, उनके द्वारा धर्मांतरण नहीं होता है, बाहरी तत्व में जो धर्मांतरण। बिल्कुल, बाहरी से देखिए, शुरू से सभी के लोकप्रिय छत्तीसगढ़ एवं अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकप्रिय रहे और इतिहास जिनका रहा युवा हृदय सम्राट हिंदू कुल तिलक कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी का, वो भी सदैव यही बोला करते थे, कहा करते थे कि इस राज परिवार के अंदर सभी लोग सुरक्षित हैं, पर बाहर से अगर कोई शक्तियां अगर आएंगी और हमारे मूल निवास क्षेत्र के आदिवासियों को बुलाएगी भटकाएगी तो ये फिर गलत रहेगा। अब काफी लगभग 3 साल हो गए आप मतलब लगातार जिले के हर जगह में दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या ये जो कहा जा रहा है कि धर्मांतरण काफी भारी संख्या में हो रहा है, आपको क्या लगता है? ये तो एक बहुत इसे छोटे से शब्दों में से या छोटे से लाइन में नहीं कहा जा सकता, इसका जड़ बहुत अंदर तक घुस चुका है। आप देखते होंगे कि जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में चल रहा है, केरला में जहां पर चोला डायनेस्टी का राज चलता था, आज के क्षेत्र में इतने सारे चर्च वहां पर बनाए जा रहे हैं जहां पर मूल निवासी आदिवासी हुआ करते थे, जो जंगल जल जंगल जमीन की पूजा किया करते थे, आज वहां पर घटकर इतने चर्च बन गई कि वहां हिंदू कम हो जा रहे हैं। और जहां पर आप, ये तो इतिहास भारत का रहा है कि जहां जहां हिंदुओं की संख्या कम हुई है, सनातन धर्म की संख्या कम हुई है, वहां पर वो देश बढ़ते गया और राष्ट्रांतरण का प्रतीक रहा है। तो ये मैं बिल्कुल मानना चाहूंगा कि अगर ये होता है तो अपन इसको पूरा प्रयास करते हैं रोकने का, और ये बहुत बड़ी साजिश रची जाती है ऊपर से, जो कि छोटे तबके के लोग या वनवासी आदिवासी लोग इस बात को समझ नहीं सकते। उनको लोग कहते हैं कि जैसे अक्सर बोला जाता है कि मतलब ये लोग दिखाते हैं, सेवा का नाम पर सौदा कुमार सभी स्वादों करते हैं जी। तो क्या आपको ये लगता है कि क्या जसपुर जिले में भी धर्मांतरण हो रहा है काफी, मतलब यहाँ भी सेवा का नाम पर सौदा का थीम अभी भी चल रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी समाज सेवा करे, और मुझे तो लगता है कि हर एक समाज में, हर एक धर्म में सेवा करना सबको घर में छोटे से ही सिखाया जाता है, पर सेवा के नाम पर धर्मांतरण करना, आप सेवा कर रहे हैं अच्छी बात है, मैंने आपकी सेवा की शुभकामनाएं हैं, हमारे उसमें बोला जाता है कि भाई कर्म कर फल की चिंता ना कर, उसी प्रकार से अगर कोई अगर सेवा कर रहा है तो सेवा करे, वो उसका कर्तव्य है, एक मनुष्य का सेवा करना कर्तव्य है, पर अगर उसके आधार पर और उसके आड़ पर अगर कोई बोले कि आपको अगर ठीक होना है तो आप इस धर्म को, आप इस संप्रदाय को मानिए, तो फिर ये गलत बात हो जाता है। मैं सेवा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मैं मानता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं, सेवा करते रहे, पर उस आधार पे, उस आड़ पे अगर वो बोले कि नहीं आप इस भगवान को मानिए और आप इस को पूजिए, तो फिर ये गलत बात है। अभी कल एक दो दिन कल शायद आपने 183 परिवारों की घर वापसी करवाई, कैसा अनुभव रहा? देखिए, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और शुरू से जैसे मैंने कहा कि क्षेत्र में काफी बाहरी लोग आते जाते रहते हैं, तो उस प्रकार से भी ब्रेन वॉश बोलिए, मतांतरण का बात बोलिए, तो ऐसे बहुत पुराने एक दो पीढ़ी भटके हुए लोग जो थे उनको हम लोगों ने बात विचार कर कर समझा कर उन लोगों को 2 साल से उन लोग को अपने शरण में देकर उन लोग को समझा कर कि किस प्रकार से आप लोग के जो पूर्वज रहे उन्होंने किस प्रकार से अपने खून पसीने से इस भारत का निर्माण किया, तो उन लोगों को ये बात बड़ी अच्छी लगी और वो बोले कि बिल्कुल हम वापस अपने धर्म मूल धर्म में आना चाहते हैं और आप ही के हाथों द्वारा आना चाहते हैं। और ये कुमार साहब का भी, दिलीप सिंह जूदेव जी का भी एक मुहिम रही जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों को कट्ठों कट्ठों में छत्तीसगढ़ में नहीं, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, कई ऐसे जगह में उन्होंने घर वापसी का अभियान उन्होंने चालू किया और आज इसी प्रकार से चल रहा है। जब किसी काम की शुरुआत हम करते हैं तो एक लक्ष्य साधते हैं जी, मतलब हमारा लक्ष्य क्या होगा, हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी हमारा एक लक्ष्य होता है, आप पॉलिटिक्स में आए हैं, आपका लक्ष्य क्या है? देखिए, लक्ष्य तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई लक्ष्य क्या है, बड़ा मैं जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ कि मैं मेहनत पे विश्वास करता हूँ, और बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि बहुत सारे जगह
किताबों का भी अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि ज्यादा किस्मत में विश्वास नहीं करना चाहिए कि हमारे किस्मत में क्या आएगा नहीं आएगा, कर्म पे विश्वास है, अगर कर्म हमारी अच्छी है तो ये बात भी निश्चित है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा ही होगा, और राष्ट्रहित और धर्महित में जो कार्य रहेगा और बन पड़ेगा उतना पूरा प्रयास करेंगे, बाकी जो जैसी जनता की इच्छा जो जहां पर लाकर बैठा दे उतना स्वीकार रहेगा। ये एक होता है ना कि मतलब वो आपने तो बहुत विस्तार से बताया, एक होता है ना कि हम सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, एक मतलब मेरा कहना मतलब था एम्बिशन। एम्बिशन एक जनपालक के रूप में है, आप लोग जो समस्या लाए हम उसका निराकरण करने का पूरे तरीके से प्रयास करेंगे, बाकी ऐसी कुछ बनने की कभी इच्छा रही नहीं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। जिस क्षेत्र में रहते हैं उन आदिवासी वनवासी एक भगवान के रूप में भी देखते हैं, तो जितना एक मनुष्य को मिलना चाहिए उससे ज्यादा ही बढ़कर जिंदगी में पूर्वजों के कर्तव्य अनुसार प्राप्त हुआ, तो बाकी ऐसी ज्यादा कुछ इच्छा है। आखिरी सवाल, जशपुर के लिए चैलेंज क्या है? जशपुर की सबसे बड़ी चैलेंज मुझे लगता है कि फिर से मैं पुनः उस बात पे आना चाहूंगा कि विभोर वनांचल से घिरा हुआ क्षेत्र है, विकास के माध्यम से बहुत सारे जगह मैं आज भी जाता हूँ, जशपुर में कई सालों से जहां पर बिजली नहीं है, पंडरा पाट में कुछ समय पहले मेरा इस क्षेत्र में जशपुर जिले में पंडरा पाट क्षेत्र पड़ता है, उसी के कोने में अंबिकापुर से सरगुजा से जुड़ा हुआ एक सुकमा गांव भी है, एक सुकमा दंतेवाड़ा में एक सुकमा यहाँ पर भी है, वहां गया था, आज तक वहां बिजली पंप और ये सब की व्यवस्था नहीं, तो ये सब भी देखकर कभी कभार लगता है कि भाई इतने साल हो गए छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग हुए, पहले जशपुर रायगढ़ जिले में आता था उससे भी अलग हुए हो गया, लेकिन अभी तक अपन जिस प्रकार से विकास जशपुर में होनी चाहिए थी उस प्रकार से हो नहीं पाई है, मुझे लगता है विकास थोड़ी जशपुर और मांग रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब क्या मतलब इसके लिए हो क्या मतलब किस तरह का प्रयास होना चाहिए? प्रत्येक देखिए, एक तो लोग मानते हैं कि विकास का माध्यम कलेक्टर महोदय रहते हैं, पर मैं ये भी मानता हूँ कि जितने जो भी अपने आप को जनप्रतिनिधि मानते हैं आजकल के समय में कि मैं जनता के लिए कुछ घर से निकल कर मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उनकी आवाजों को सुने, उनकी क्या दिक्कत है, उनकी क्या समस्या है, बस सुनना ही नहीं है, सुनकर बकायदा उनके लिए काम कर कर कि आपके क्षेत्र में क्या उपलब्ध नहीं है। कुछ समय पहले पंडरा पाट में ही मेरा एक हफ्ते का प्रवास था, तो वहां पर एक नवापारा गांव था, वहां पर पानी नहीं हुआ करता था, तो कुछ समय पहले मैंने पीएचई में पीएचई डिपार्टमेंट में मैंने वहां पर एक आवेदन मैंने भेजा, तो वहां पर कुछ समय पहले बोरिंग वहां पर खुदा, तो इस प्रकार से कोई सहयोग कर सकता है तो करे, मैं ऐसा चाहूंगा। तो ये थे विजय आदित्य सिंह जुदेव, जो मतलब उम्र तो काफी छोटी लेकिन हमारे भरक सवालों का जवाब काफी सदे हुए तरीके से दिया। तो बहरहाल यही पॉलिटिक्स है और देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, आज की वीडियो में इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।